जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और लक्ष्य आईचल में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खुशखबरी है, चुनाव परिणाम आ चुके हैं और इस समय पर जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो है पार्टी है उसमें बहुत खलबली मची हुई है। ध्यान रखना है, इस चुनाव परिणाम की वजह से बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही। मैं यहाँ पर जो है कुछ पिक्चर्स लगाया हूँ सचिवालय की, ये मीटिंग्स हैं लगातार। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी इन जो है मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हार का जो है कारण अब तलाशने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत कुछ कारण आप लोग हैं, बेरोजगार, युवा, नौकरी, परीक्षाओं का समय से ना होना, परीक्षाएं होते हुए भी उन पे धांधली हो जाना, ये सारे कारण इसके केंद्र बिंदु पे आ रहे हैं। तो ध्यान रखना है, ये इस समय पर ये जो दौर चल रहा है, ये दौर ऐसा आ गया है, बहुत सी मीटिंग के बाद ये क्लियर हो चुका है कि बहुत सी वैकेंसी आपके सामने आने वाली है, बहुत से एग्जाम होने वाले हैं और लगातार उसमें जो है सुधार किया जा रहा है कि जो भी वैकेंसी फंसी है, जिनमें भी जो क्लाज है, वो सारे के सारे खत्म किए जाए और इन वैकेंसियों को निष्पक्ष रूप से तत्काल भरा जाए। तो अब आपके लिए बहुत शुभ अवसर आ चुका है और अपनी तैयारी को धार और तगड़े से दीजिए और हर हाल में इस बार एक वैकेंसी आप ले लीजिए। मैं कुछ वैकेंसियों की चर्चा करना चाह रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण वैकेंसी हैं उत्तर प्रदेश की जो आपके आपको देखने को मिल सकती हैं और ये बहुत जल्द मतलब कि एक दो महीने के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। एक बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है बीओ की, ठीक ना। देखिए, पहली बात तो आपको पता है कि एक वैकेंसी पीसीएस लगी हुई है और आरओ एआरओ का एग्जाम भी जो है क्लियर हो चुका है, ठीक ना। इसकी 27 अक्टूबर है एग्जाम डेट और इसकी 22 दिसंबर है। तो ये ध्यान रखना है, अगर हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी वैकेंसी आप भर सकते हो, सारे एग्जाम आप दे सकते हो। इसके अलावा भी कई एग्जाम्स और हैं और अगर आप पीसीएस की अच्छी सी तैयारी आपकी हो गई और आरओ की अच्छी सी तैयारी हो गई तो बहुत से एग्जाम सेम सिलेबस वाले हैं, इनको आप दे सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो है 22 दिसंबर को देना है और ये भी कम से कम जो है ये मान चलिए कि अप्रैल और मई में, ठीक ना, अप्रैल तक या अप्रैल मई तक फाइनल हो जाएगा। मतलब 3 महीने के बाद आपका जो है मेंस हो जाएगा और वही हाल यहाँ पर भी है। तो पहली मेन वैकेंसी तो ये है, लेकिन उसके साथ में भी आप ध्यान रखिएगा, लेखपाल की वैकेंसी है, पेट की वैकेंसी है और पुलिस की वैकेंसी है जो यहाँ पर नहीं दिखाई गई है, पुलिस की है और टीजीटी पीजीटी की है। टीजीटी और पीजीटी जो है इन सारी वैकेंसी पे जो है पूरी तरह से चर्चा हुई है और ये वैकेंसी सारी की सारी टीजीटी पीजीटी तो बहुत ही ज्यादा आने वाली है। टीजीटी टोटल सब्जेक्ट को मिलाकर के, सारे सब्जेक्ट को मिलाकर के 7000 से ज्यादा वैकेंसी आने वाली है और वैसे ही पीजीटी में भी है ना। पीजीटी में सब्जेक्ट वाइज ये भी होता है और ये भी 3000 से ऊपर वैकेंसी आने वाली है। तो आपको अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से धार देना है, बहुत तेजी से करना है कि इस बार अगर नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा, इस हिसाब से आपको चलना है। और लोअर पीसीएस में देखिए, लोअर पीसीएस में अभी तो ये पेट के आधार पर ही होगा, लेकिन बहुत जल्द आपको पेट के लिए बहुत अच्छी खबर आने वाली है क्योंकि ये पेट की वजह से आप लोअर पीसीएस में या बीडीओ में, लेखपाल में अच्छे अच्छे बच्चे बाहर हो जाते थे, नहीं हो पाते थे, लेकिन अभी इसके लिए बड़ी जोरों से चर्चा चल रही। हो सकता है 2-3 दिन 4 दिन में एक अच्छा सा कोई डिसीजन भी आ जाए इसमें, तो ये समाप्त होने की स्थिति पे आ रहा है। और अगर ये समाप्त हो गया तो ध्यान रखिएगा, लोअर पीसीएस में जो वैकेंसी आने वाली है जिसमें मार्केटिंग इंस्पेक्टर है, सप्लाई इंस्पेक्टर, इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें होती हैं जो पहले लोक सेवा आयोग कराता था लेकिन अब उसको यूपी ट्रिपल एससी में दे दिया गया था क्योंकि उनका ग्रेड पे कम होता था, लेकिन वैकेंसी बहुत शानदार होती थी। अब ये सारी की सारी वैकेंसी आप दे सकते हो और सारी की सारी वैकेंसी में आपकी अच्छी पकड़ हो सकती है। तो ध्यान रखना है आपको, एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए भी आप रेडी रहिए, जो भी साथी तैयार हैं, लेखपाल भर्ती के लिए भी लगभग इसमें भी लगभग 4500 से ज्यादा वैकेंसी संभावना है आने की और बहुत जल्द आने की संभावना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन सब में लगातार मंथन चल रहा है, लगातार इनमें जो है सूचनाएं आदान प्रदान की जा रही हैं, कमीशन से लगातार बात हो रही है और इस समय पर सरकार भी दबाव में है और कमीशन भी दबाव में है कि उनका पहला उद्देश्य यह है कि हर हाल में इन वैकेंसियों को भरा जाए और जो भी प्रदेश के युवा हैं, जो भी प्रदेश के बेरोजगार हैं, जो भी कॉम्पिटिटर हैं, उनको सबसे पहले जो है रोजगार दिया जाए। तो ध्यान रखना साथियों, अब इन वैकेंसियों को आपको जो है करने के लिए, इन वैकेंसियों में सिलेक्शन लेने के लिए आपको लगातार मेहनत करते रहना है और ये सारे के सारे अवसर आपको एक दो महीने के अंदर हर हाल में देखने को मिल जाएंगे। तो ये अच्छी खबर है आपके लिए और अपनी तैयारी जारी रखिएगा। आपके लिए जो है, अगर आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आरओ एआरओ का एक शानदार रिवीजन बैच आपके लिए विजय रथ के रूप में हम ला रहे हैं। अगर इसमें से आप ज्वाइन होना चाहते हो इसमें, तो इसमें भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बीओ का और पीसीएस का एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्द आप चाहें तो उसको भी आप ले सकते हैं।
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।